नमस्कार दोस्तों, फिर से एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जिस जेरोक्स मशीन तो हम नहीं कह सकते, लेकिन जो ये मिनी ऑफसेट वाला, एक बड़ा सा ऑफसेट वाला भी मशीन हम कह सकते हैं, जिसमें आप पेम्पलेट भी कर सकते हो, जेरोक्स जो बल्क में जेरोक्स होती है वो भी इसमें आप कर सकते हो, कोई भी कार्ड शीट हो, इन्विटेशन कार्ड हो या कोई भी हमारा वेडिंग कार्ड हो, ये सारी प्रिंट इसमें हो जाती है और मल्टी कलर में हो जाती है। तो दोस्तों, आज रिसो के बारे में हम बातचीत करने वाले हैं, जो रिसो के जो मॉडल आते हैं उसके बारे में आज आपको पूरी नॉलेज मिल जाएगी। दोस्तों, रिसो उसमें भी सीवी 3030, 3130, 3230, इसके जो वेरियंट आ जाते हैं इसकी सारी बातचीत करने वाले है। दोस्तों, चैनल पर नए है तो नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही नई नई वीडियो प्रिंटिंग से रिलेटेड आपको मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपका प्रिंटिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहां भी कोई भी मैसेज कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, वहां मैं आपका क्वेश्चन का तुरंत आंसर दे देता हूं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस मजेदार वीडियो को रिसो सीवी सीरीज के बारे में। रिसो सीवी सीरीज के बारे में बातचीत करें तो इसके कई सारे वेरिएंट आ जाते हैं। आज तीन वेरिएंट की बातचीत करने वाले हैं, सीवी 3030, सीवी 3130, सीवी 3230। दोस्तों, ये सारे मॉडल में सारी बात सेम है, लेकिन इसमें जो इसका प्रिंटिंग एरिया आता है, कौन कौन सी साइज में ये मशीन मिलता है, तो ये 3030 वाला मॉडल है उसमें आप मिनिमम 4x6 से लेके A4 तक इसमें कोई भी प्रिंट, कोई भी ऑफसेट वाला काम इसमें कर सकते हैं। इसकी साइज जो इसका प्रिंटिंग एरिया होता है वो A4 साइज का ही होता है। उसके बाद इसका जो नया अपडेट मॉडल है 3130, उसका जो प्रिंटिंग एरिया आप मिनिमम ये सारे मॉडल में 4x6 से लेके आप 4x6 तक मिनिमम कर सकते हैं, और इसका जो 3130 का जो भी प्रिंटिंग एरिया है वो आपको लीगल तक मिल जाता है। अब दोस्तों, इसका अपडेट मॉडल जो 3230 आ गया है उसमें 4x6 से लेके आप B4 तक प्रिंट कर सकते हो। दोस्तों, ये इसकी प्रिंट स्पीड एकदम स्प्रिंट प्रिंट सबसे ज्यादा होती है, एक ऑफसेट वाला जो मशीन होता है उसकी स्प्रिंट स्पीड तक इसकी प्रिंट आ जाती है। अब दोस्तों, ये जो भी बात करेंगे ये सारे मॉडल में ही ये सारी फीचर्स आपको मिल जाती है, सिर्फ इसमें जो प्रिंटिंग एरिया का डिफरेंट होता है। अब ये सारे मशीन के फीचर्स के बारे में बातचीत करें तो इसकी स्पीड 1 मिनट में 130 पेजेस निकालने की होती है, वो ये एवरेज स्पीड हो जाती है। और दोस्तों, ये मशीन में आप यहाँ देख सकते हो इसकी स्पीड कंट्रोल का भी ऑप्शन मिल जाता है, आपको जल्दी मशीन स्टार्ट करना है, जल्दी काम करना है, इसकी स्पीड हाई भी कर सकते हो। हाँ, यस, इसकी कोई भी स्पीड आप हाई कर सकते हो और लो भी कर सकते हो, आपको थोड़ा बहुत काम करना है तो आप लो भी ये मशीन चला सकते हो। दोस्तों, इसके अब बेस्ट बात मैं आपको बता दूं, इसमें आपको USB का भी ऑप्शन मिल जाता है, USB से आप इसमें प्रिंट या मास्टर बना सकते हैं, आप इसको कंप्यूटर से भी कनेक्ट करके इसमें मास्टर बना सकते हैं। अब दोस्तों, इसमें आपको जो हमारे जेरोक्स मशीन आते हैं उसमें फ्लैट ब्लेड स्कैनर मिल जाता है, ऊपर ADF मिल जाता है, इसमें ऐसा नहीं है, लेकिन ADF जैसा ये आप यहाँ देख सकते हैं, मास्टर बनाने के लिए एक छोटा सा हमें जो भी साइज का होता है वो साइज का मास्टर बनाने के लिए स्कैनर मिल जाता है। ये स्कैनर ज्यादा स्पीड में स्कैन कर देने वाला नहीं होता है, क्योंकि इसकी मास्टर इतनी ज्यादा नहीं होती है, आप इसमें वर्क करते हो तो 500, 200 या 1000 इतना तक ही प्रिंट निकालते हो तो ही ये मशीन आपका जो है वो मुनाफा कर देने वाला होता है, कॉपी इसकी जो भी कॉपी कॉस्ट है वो कम आती है, इसलिए ये बल्क में जो वर्क करते हैं उसके रिलेटेड ही मशीन है। अब दोस्तों, इसके बारे में बातचीत करें तो इसमें आपको एक मास्टर रोल मिल जाता है, हमारे जो जेरोक्स मशीन में ड्रम मिलता है वैसा ही इसमें एक मास्टर रोल मिल जाता है। अब एक मास्टर बनाने के लिए भी एक मास्टर रोल आता है, और सीधा ड्रम पे जो भी हमारे जो पेपर होता है इसकी 1000 निकालनी होती है तो पहले ये एक मास्टर बना लेता है मास्टर रोल में से। ये शायद आपने सुना होगा कि वो हमारा जो पेपर आता है बटर पेपर जैसा इसका मास्टर रोल होता है।
इसकी एक मास्टर ओरिजिनल बन जाती है, फिर ये ड्रम पे चिपक जाती है और ड्रम के जरिए और मास्टर के जरिए सारी प्रिंट निकाल के दे देता है। अब जब इसका जो मास्टर चेंज करते हो, एक आपने जो इसमें जो वर्क है पूरा कर दिया और दूसरा वर्क करते हो, तो इसकी जो मास्टर है वो इसमें एक वेस्ट बॉक्स दिया जाता है, मास्टर का साइड में वेस्ट बॉक्स आता है, उसमें इसकी मास्टर चली जाती है और नई मास्टर बन जाती है। इसके रिलेटेड आपको जो इसकी टोनर इंक हम शाही बोलते हैं उसका सिलेंडर भी आप यहाँ देख सकते हैं। इसका जो ड्रम आता है उसकी साइड में मिल जाता है, वहां आसानी से आप इसका जो टोनर वाला एरिया होता है, जो टोनर सिलेंडर होता है, शाही का सिलेंडर होता है, वो भी चेंज कर सकते हैं। और इसका कॉपी में जो शाही लगता है वो वेस्ट जाने की कोई चीज ही नहीं होती। जो हमारा जेरोक्स मशीन में वेस्ट टोनर जाता है इसमें नहीं जाता है। और दोस्तों इसमें शाही कितनी भी प्रिंट आप निकाल लेते हो तो भी इसमें शाही ज्यादातर यूज नहीं होती है, और ये शायद वॉटर बेस वाली इंक आ जाती है, आप यहाँ देख सकते हो। और दोस्तों इसमें आपको जो वन कलर टू कलर जो भी जितना कलर इंक करना है तो इसका सिलेंडर चेंज करना होता है, सिलेंडर भी आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है। कोई कोई मशीन में एक सिलेंडर आता है, कोई कोई मशीन में दो सिलेंडर आता है। तो दोस्तों ये बेस्ट वाली इसकी बात हो गई। और दोस्तों इसमें आपको ड्रम चेंज करने की भी नौबत नहीं आती, कोई भी जेरोक्स मशीन होता है तो उसमें ड्रम चेंज करते हैं, ये मास्टर वाला मशीन में कोई भी ये चेंज करने वाली बात नहीं है। दोस्तों इसमें आपको जूमिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है, कॉपी आपने निकाली इसको जूमिंग करना हो और इसका प्रिंट एरिया इधर से उधर करना हो तो भी आपको इसमें ऑप्शन मिल जाता है, आपको आपको फोटो प्रिंट का ऑप्शन मिल जाता है। इसमें आप एक बार में 9999 यानी कि 10,000 प्रिंट एक बार में निकाल सकते हो। दोस्तों इसकी स्पीड भी काफी बेहतरीन होती है। अब दोस्तों इसकी स्पीड के बारे में भी आपको ने बात कर ली, शायद इसकी स्पीड जो एवरेज प्रिंट होती है 130 पेजेस 1 मिनट में निकाल के दे देता है। हमने ये ड्रम सिलेंडर की भी बात कर ली, यहाँ पे ड्रम सिलेंडर आते हैं। अब दोस्तों ये मशीन फुली ऑटोमेटिक होता है, हमारा जो भी ऑफसेट आता है उसमें हमें जो भी मास्टर बनानी होती है ये मशीन में ऑटोमेटिक हमारे ड्रम पे चिपक जाती है और इसकी प्रिंट निकालना शुरू हो जाता है। जब हमारा प्रिंट निकालना ये हमारा जो वर्क होता है वो पूरा हो जाता है, वर्क होता है वो पूरा करके इसकी मास्टर है वो वेस्ट बॉक्स में चली जाती है, फिर ये मास्टर यूज नहीं होती है। अब दोस्तों इसमें पेपर ट्रे की बात करें तो इसमें पेपर जाम होने की या पेपर फंसने की कोई भी नौबत नहीं आती है। कोई कोई बार पेपर इधर से उधर चला गया तो कोई कोई बार फंस जाता है, वो आसानी से निकल जाता है। इसकी जो राइट वाली साइड आती है उसमें आपको जो प्रिंट निकलने के लिए ट्रे मिल जाती है, और इसकी लेफ्ट साइड में आपको इसका जो पेज रखने की भी ट्रे मिल जाती है। इसकी दोनों की पेज कैपेसिटी के बारे में बातचीत करें तो 1000 पेज आप इसमें रख सकते हैं। दोस्तों इसकी स्पीड भी बेहतरीन है, और ज्यादातर जो ऑफसेट का वर्क करते हैं, जो कार्ड प्रिंटिंग का वर्क करते हैं, जो वीडिंग कार्ड का वर्क करते हैं, और जिसका बल्क में जरूरत होता है, एक बार में 500 पेजेस 200 पेजेस 1000 पेजेस की जेरोक्स निकालनी होती है, तो ये लोग ये मशीन पसंद करते हैं, क्योंकि इसमें स्पीड भी ज्यादा होती है, इसकी जो प्रिंट रिजोल्यूशन है वो भी एकदम डार्कनेस वाली आती है क्योंकि इसमें मास्टर आ जाती है, और दोस्तों इसकी कॉपी कॉस्ट कम आ जाती है, इसमें ज्यादातर वेरिएंटेज भी नहीं आता है, तो इसमें कोई मेंटेनेंस वाली बात नहीं है, और ये ब्रांड न्यू मशीन आ जाता है दोस्तों, इसलिए ये बेस्ट है। अब इसकी कॉपी कॉस्ट के बारे में बातचीत करें तो इसमें ज्यादातर मास्टर का चार्ज लगता है, आपकी एक मास्टर में कितनी प्रिंट निकाल लेते हो मास्टर का चार्ज मिला के ही आपको कॉपी कॉस्ट करना होता है। अब दोस्तों इसकी कॉपी कॉस्ट एवरेज होती है, इसकी कॉपी कॉस्ट हम ये फिक्स नहीं कर सकते और ज्यादातर एवरेज भी नहीं कर सकते, क्योंकि एक मास्टर में आपको ज्यादा प्रिंट निकालनी हो तो और इसमें कौन कौन से कागज आप यूज करते हैं, तो इसमें 45 GSM से लेके आप कोई भी कागज यूज कर सकते हैं। आपका कागज कितना GSM का डाला है, उतनी कॉस्ट क्या है, आपने स्टिकर डाला है, कोई भी कलर वाला कागज डाला है, इससे रिलेटेड इसकी कॉपी कॉस्ट निकाल सकते हो। लेकिन मैं तो आपको ये बता ही सकता हूँ कि आप जो भी जेरोक्स मशीन यूज कर रहे हैं उससे तो इसकी कॉपी कॉस्ट कम से कम ही आती होगी, क्योंकि जेरोक्स से इसके कॉपी कॉस्ट कम ही होती है, क्योंकि इसमें कोई वेरिएंटेज वाली बात नहीं है। दोस्तों आज ये रीसो के बारे में आपको पूरा नॉलेज मिल गया होगा, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं। और दोस्तों आज ये तीनों मॉडल में आपको कौन सा मॉडल पसंद आया है, CV3030, CV3130 या CV3230, वो मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि हमें ये मालूम हो जाए कि ज्यादातर कौन से मॉडल लोग यूज कर रहे हैं और ये पसंद कर रहे हैं। और दोस्तों आज इस वीडियो में प्रिंटिंग से रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ नया जानने को मिला होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए,
क्योंकि आपकी एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेट होते हैं और ऐसे ही नई नई वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही प्रिंटिंग से रिलेटेड नई नई अपडेट आपको मिलती रहे। और दोस्तों मिलते हैं कहीं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।